नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूँ चैनल का होस्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चंद्रयान 2 के बारे में कुछ ऐसा अपडेट, कुछ ऐसा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो अभी अभी इसरो ने अपडेट किया है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सरफेस पर हार्ड लैंडिंग की थी, जिसकी वजह से इसरो के साथ लैंडर विक्रम का जो संपर्क है वो टूट गया था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने लगातार कोशिश जारी रही लैंडर विक्रम के साथ संपर्क साधने की। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद ही चांद पर रात हो गया था, जिसकी वजह से जितने भी आशाएं थी, जितने भी कोशिश थी, पूरा बंद हो गया। क्योंकि दोस्तों, रात होने से लैंडर विक्रम का जो सोलर पैनल है वो काम करना बंद कर दी थी, तो इसीलिए दोस्तों दोबारा से संपर्क नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, अभी का जो अपडेट है वो ये है कि चंद्रमा पर फिर से दिन हो गया है और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी अभी चंद्रमा का कुछ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर इसरो को सेंड किया है और इसरो ने चंद्रमा की इस पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। तो क्या दोस्तों, दोबारा चांद पर दिन होने से लैंडर विक्रम का जो सोलर पैनल है वो ठीक तरह से काम कर रही है, या इसरो के वैज्ञानिक दोबारा विक्रम से संपर्क साधने में सफलता अर्जन की है? दोस्तों, पूरा आपको अपडेट और ताज़ा खबर बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको पूरा देखना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे अपडेट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ इस चैनल में हम लोग रोज लाते रहते हैं। और जी हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा वाला बटन है वो प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट क्या है। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर की हाई रेजोल्यूशन कैमरा से चांद की खींची तस्वीर जारी की है। इस हाई रेजोल्यूशन कैमरा ने चंद्रमा की सतह की तस्वीर भेजी है। इस तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर बड़े और छोटे गड्ढे नजर आ रही है। दोस्तों, इसरो ने कहा, ऑर्बिटर में मौजूद 8 प्लेट ने चांद की सतह पर मौजूद तत्वों को लेकर कई सूचनाएं भेजी है। ऑर्बिटर चांद की सतह पर मौजूद अभिषित कणों का पता लगा रहा है। ऑर्बिटर की पोलेट प्लस ने अपनी जांच में चांद की मिट्टी में मौजूद कणों के बारे में पता लगाया है। दोस्तों, ये तब संभव हुआ है जब सूरज की तेज रोशनी में मौजूद एक्स किरणों की वजह से चांद की सतह चमक उठी। दोस्तों, चांद की अंधेरी सतह पर बेसुध पड़े चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को लेकर फिर से उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अपने सौर पैनल की मदद से विक्रम फिर से काम शुरू कर सकता है। दरअसल दोस्तों, चांद पर शनिवार से दिन की शुरुआत हो रही है, ऐसे में विक्रम को लेकर कई अच्छी खबर आने की उम्मीद बढ़ गई है। वही दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि चांद के आसमान में चक्कर लगा रहा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और लोहो जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्वों का पता लगाने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, इसरो के मुताबिक ऑर्बिटर का पैलेट अपने तय मकसद के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहा है। वही विक्रम की तलाश और उससे संपर्क करने की कोशिश में जुटी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि अब तक विक्रम से कोई आकरण नहीं मिला है। खगोलविद स्कॉट टैली ने ट्वीट कर विक्रम से संपर्क की प्रबल संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि विक्रम को खोजने में कामयाबी जरूर मिलेगी। बताया जा रहा है कि दिन होने के साथ ही विक्रम से संपर्क करने की कोशिश तेज होंगी। दोस्तों, इसरो के एक वैज्ञानिक ने बताया कि हालांकि आप विक्रम से संपर्क करना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो उनसे जब ये पूछा गया कि क्या चांद पर रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड में विक्रम सही सलामत रह सकता है, तो उन्होंने कहा, सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि झटके से हुआ असर भी चिंता का बात है। हार्ड लैंडिंग के चलते विक्रम तेज गति से चांद की सतह पर गिरा होगा। इस झटके के चलते विक्रम के भीतर मौजूद उपकरणों को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों, चांद की चक्कर लगा रहे नासा के लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर ने जो तस्वीर भेजी थी, चांद पर रात होने के चलते उससे तस्वीर साफ नहीं आ पाई थी, तो फिर से दोबारा नासा तस्वीर भेजने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, यह था इसरो का अभी-अभी का अपडेट। क्या इसरो के वैज्ञानिक दोबारा विक्रम के साथ संपर्क करने में कामयाबी होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट न्यूज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, चैनल को फॉलो करते रहिए, सुस्त रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।